डायग्राम की वन अभी क्लास देखिए, डायग्राम है उसके अंदर एक बॉडी दे रखी है ऐसे बंधी हुई, ऑफ मास m, ठीक है, और ये एंगल गिवन है भाई, ये अल्फा गिवन है, इट इज बीटा, ये कोई भी ऐसी स्पॉट है तो हिले ना, इट इज कॉल्ड रिजिड स्पॉट बोलते हैं इसको। एक डायग्राम गिवन है, क्वेश्चन पूछ रखा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग्स, भी फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब ये दो स्ट्रिंग है भाई क्लास, एक नहीं दो धागे बांधे हुए हैं इस बॉडी के साथ, कर लोगे? इसका वेट कहाँ पे होगा बॉडी का? भी नीचे एम जी, टेंशन इसका टी होगा, टी वन ले ले, इसका कौन सा भाई टी टू, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी वन एंड टी टू, तो क्या करोगे बताओ? ये लाइन यहाँ पे खींचे, इसके पहले एक लाइन ये आ रही, यस आर नो, ये एंगल बीटा तो ये भी बीटा भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आप टी टू को रिजोल्व करते हो कंपोनेंट के टर्म में, इस तरफ कौन सा आएगा? टी टू कोस बीटा, कोस है बीटा, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? यहां पे आएगा टी टू साइन बीटा भाई, यस आर नो। उसी तरीके से एक लाइन यहां पे खींची गई है जो इसके पैरेलल है, ये अल्फा तो ये भी अल्फा भाई, सही है? तो अगर मैं टी वन को रिजोल्व करूं यहां पे कितना आएगा? टी वन कोस अल्फा भी, ओके, और इस तरफ कौन सा आएगा? यहां पे भी ये टी वन साइन अल्फा भी, टी वन साइन अल्फा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका डायग्राम बन रहा है अभी, कर लोगे? अब एम जी को कौन बैलेंस कर रहा है? एम जी इज इक्वल टू ये टी वन साइन अल्फा प्लस टी टू साइन बीटा वे, ये बात सही है कि नहीं है? दो हैं इस तरफ, एक इसका टी वन वाला, एक टी टू वाला, एक इसका टी वन वाला, भी कर पाओगे? यस सर ना। दूसरा, ये एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, हर बॉडी रुकी हुई है, मतलब ये दीज आर द इक्विलिब्रियम फोर्सेस भी। कौन सा फोर्स लग रहा है यहाँ पे? टी टू कोस बीटा, यहाँ पे टी वन कोस अल्फा, हर बॉडी वहीं पे है तो ये दोनों फोर्स बराबर होने चाहिए, तो क्या लिख दें? टी वन कोस अल्फा इज इक्वल टू किसके भाई? टी टू कोस बीटा भाई, यस सर ना। तो निकाल लो भाई, क्या निकालना है? टी वन निकालना और टी टू निकालना है, यस सर ना। तो कैसे करें बताइए? आप क्या करो, इस इक्वेशन से किसी एक को ख़त्म कर दो, T1 को या T2 को भी, एक बच जाएगा। कैसे करेंगे बताइए? T1 निकाल लें यहाँ से, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? T1 है अभी, ठीक है, साइन अल्फा जो भी दे रखा है बीटा, तो यह प्रयास से करें कि साइन अल्फा कोस बीटा को कुछ वैल्यू ले लें, वहाँ पे साइन है वहाँ पे कोस है भाई, तो ये अच्छा रहेगा, T1 T2 को ख़त्म कर लें यहाँ से। तो यहाँ से मैं T1 ख़त्म कर रहा हूँ भाई, T1 इज इक्वल टू क्या लिखूँ? T2 कोस बीटा डिवाइड बाई कोस अल्फा भी, सही है? yes, और इसमें रख दें yes, तो कितना आएगा? एम जी इज इक्वल टी वन कितना है भाई? टी टू कोस बीटा बाई कोस अल्फा साइन अल्फा प्लस टी टू साइन बीटा भी, सही लिखा है? अरे yes, सही है कि नहीं है? अब देखिए, ये साइन अल्फा ये कोस बीटा, कोस अल्फा तो टेंजेंट अल्फा हो गया, yes, हुआ कि नहीं हुआ? अभी yes, तो एम जी की वैल्यू कितनी भी, और इन दोनों में से टी टू को कॉमन निकाल लूँ? yes, निकाल ले, टी टू कॉमन निकाल लिया अभी, और भी कुछ नहीं कर रहा है क्या? no, तो कितना बचा है यहाँ पे? कोस बीटा टेंजेंट अल्फा, यस आर नो, प्लस साइन बीटा भी, सही है? yes, यहां तक राइट कर लिया? yes, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी टू? उस तरफ ले जाओ वैल्यू को, टाइप करते हैं यहां पे,
तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी टू बी? टी टू इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस बीटा टेंजेंट अल्फा प्लस साइन बीटा, सही है? Yes, और सिंपलिसिटी के लिए नीचे वाले से कॉस बीटा को बाहर निकाल लूं, कैसे? टी टू इज इक्वल टू एम जी, अगर कॉस बीटा कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे क्या बचा? टेंजेंट अल्फा, और यहाँ पे क्या बचा? टेंजेंट बीटा। बचा कि नहीं बचा? नीचे कॉस आ जाएगा, कॉस बीटा यहाँ पे, साइन बीटा बाई कॉस बीटा टेंजेंट बीटा, तो टी टू तो ये हो गया। अभी समझ में आई कि नहीं आई? आपको एंगल दिए जाएंगे, निकाल लो, प्रॉब्लम नहीं है, मास दिया जाएगा, निकाल लो, जी को पता वैल्यू आपको भी। यस और नो? दूसरा टी वन और निकालना भाई, एक इक्वेशन दूसरे पुट कर दो, टी वन का वैल्यू, टी टू का वैल्यू, तो टी वन निकल आएगा, कितना था? तो वहां से लिख सकते हैं टी वन इज इक्वल टू किसके भाई? टी टू कॉस बीटा बाई कॉस अल्फा। बस आपको क्या करना है, टी वन इज इक्वल टू किसके भी? एम जी कॉस बीटा बाई कॉस बीटा टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा इंटू कॉस अल्फा भी, सही है? Yes, इसे काट दे, दिस इज द आंसर। समझ में आया कि नहीं आया अभी? Yes, मुश्किल है? No, नेक्स्ट करते हैं फिर। हो गया भाई क्लास? Yes, sir. देखो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है तो आप इजीली कर पाओगे क्वेश्चंस को, रट्टे मारोगे बोल जाना भाई, पॉसिबल नहीं है, कर लोगे? Yes, sir. राइट हो गया? Yes, sir. हमारे पास एक रिजिड स्पॉट है ऐसे, और उस पे ऐसे भाई एक रस्सी है, यहाँ पे एक वेट बंधा हुआ है, मास मान लीजिए, ठीक है, और इसको ऐसे खींचा गया अभी विद सम फोर्स एफ ऑफ 50 न्यूटन्स पे, और इसका वेट है 60 न्यूटन्स पे, ठीक है। इस रस्सी की लंबाई 1 मीटर की है अभी, यहाँ से यहाँ तक की। क्वेश्चन में बताऊँगा आपको, क्वेश्चन में मैंने पूरा बताया, डायग्राम बना रहा हूँ इसका, सिर्फ इसका भी 1 मीटर है, ये एंगल थीटा है, ये T1 टेंशन है और ये T2 टेंशन है, ठीक है, ये कुछ है अभी, हो गया? डायग्राम दे रखे उन्होंने वैसे। क्वेश्चन देखो क्या है, इन द गिवन डायग्राम भी ए मास ऑफ 6 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाई अ रोप ऑफ लेंथ 2 मीटर फ्रॉम द सीलिंग, ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज अप्लाइड एट द मिड पॉइंट पी ऑफ द रोप एज शोन इन डायग्राम भी, ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ द रोप मेक विद वर्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम भी, क्या निकालना आपको? एंगल निकालना है थीटा भी, ठीक है, जी लेना है 10, नेगेट द मास ऑफ रोप भी। क्वेश्चन क्या ढंग से देखिए अभी, क्वेश्चन ये है मेरे पास एक रोप है ऑफ लेंथ 2 मीटर भी, जिसमें मास बंधा हुआ है 6 किलोग्राम का भी, ठीक है, कितनी लेंथ है इसकी? 2 मीटर की लेंथ अभी हो जाएगा, और इसको मैंने क्या किया, यहाँ से पकड़ के 1 मीटर से किस तरफ खींच लिया अभी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको बीच से पकड़ा इस रोप को, इस तरफ खींच लिया, डायग्राम ये बनेगा उसी टाइम, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसको पकड़ के ऐसे खींचा है तो ये इस तरह रह जाएगी, ये टेढ़ी हो जाएगी ऐसे, जिस तरह ये हुई है। आपने अब बोलोगे धागा तो सेम यूज किया हुआ है तो टेंशन बराबर होनी चाहिए, ऐसा नहीं, अब यहाँ पे मैंने फोर्स लगा दिया एक और फोर्स पे इस तरफ, तो ये मान सकती हो कि ये धागा अलग है और यहाँ से एक धागा गांठ मारकर दूसरा धागा बंद रखा है इसके साथ भी खींचने के लिए, भी एक और धागा बंधा हुआ है इस तरह से, तो खींच रहे हैं विद सम फोर्स, कितना फोर्स है भाई? 50 न्यूटन्स में, 3 धागे हो गए मेरे पास अभी, इसकी जरूरत नहीं है मेरे को, एक धागा ये है, एक धागा ये, एक धागा ये है अभी, इसको धागे पकड़ कर खींचा जा रहा है ऐसे, डायग्राम ये बनने वाला है, कर लोगे? यस और नो? तो क्या निकालना आपको? एंगल निकालना है, थीटा का कितना होगा वैल्यूज, रब कर दें इसको, कैसे निकालोगे बताओगे?
तो डायग्राम बनाते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम्स में, कौन कौन से बनने वाले हैं इसका। ये 16 न्यूटन किसको बैलेंस कर रहा है, T2 को बैलेंस कर रहा है, यस और नो? और बस यही है, और कुछ है नहीं, हो जाएगा। और एक ये बन रहा है भाई इस तरफ वाला, ऐसे कैसे बनेगा ये? एक ऐसे है T1 ये था, ये फोर्स F, और यहाँ पे ऐसे, ये इसके लिए तो ऊपर है ना, इसके लिए नीचे होगी। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, तो ये कितना है T2, ये कितना है T1, ये है F। एक तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक बॉडी है, नीचे कितना है 60 न्यूटन्स, और यहाँ पे कितना है T2 कितोड़। ये तो ऊपर तो इसके लिए होगी ना, खींच रहे तो इसको ऊपर खींच रहा है, ऊपर होगी ना इसके लिए, तो ऊपर होगी। अब तो इसका एक्शन तो क्या होगा, इसका रिएक्शन भी होगा, इसका रिएक्शन है। टेंशन को कोई ऊपर खींच रहा है तो कोई नीचे भी टेंशन होगी उसके लिए। एवरी एक्शन हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस, ये टेंशन इसकी है, ये मास को नीचे खींच रहा है तो धागा इसको ऊपर खींच रहा होगा T2 के साथ। T2 ऊपर है तो उसका एक क्या होगा, रिएक्शन भी होगा नीचे की तरफ T1, ये इस पर लग रहा है। ठीक है, हो जाएगा, तो निकाल लो। वेट तो 60 ने पहले लिख दिया इसको, 60 न्यूटन्स, mg की वैल्यू कितनी होगी 60 न्यूटन्स। जब भी हम एंगल निकालते हैं अभी, हम मोस्टली टेंजेंट का यूज़ करते हैं अभी, याद है टेंजेंट को यूज़ किया जाता है, तो किसको रिजोल्व करें बताओ? अगर आप रिजोल्व कर T1 को रिजोल्व करते हो यहाँ से, ये एंगल कितना है, थीटा है, यही तो निकालना है मेरे को। T1 को रिजोल्व करते हैं, इस तरफ क्या आएगा T1 cos थीटा, और इस तरफ कौन सा आएगा, टॉपिक पूरा हो गया, निकल गया आंसर। क्या आंसर निकला, T2 की वैल्यू आ गई मेरे पास, कि T2 की वैल्यू कितनी है, T2 की वैल्यू है 60 न्यूटन्स। आ गया भाई, इससे तो आ गया, बड़ी रुकी हुई है, चल तो रही नहीं, यस सर नो? इस डायग्राम में क्या दिख रहा है मेरे को, कि T2 किसके बराबर है 60 न्यूटन्स के बराबर, T2 की वैल्यू उसकी है। इस डायग्राम में चेक करो, F को कौन बैलेंस कर रहा है, T1 साइन थीटा भी, तो F की वैल्यू कितनी, T1 साइन थीटा, यस सर नो? और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2 भी, T1 कोस थीटा, यस सर नो? T1 की वैल्यू कितनी, T1 कोस थीटा, T2 की, T2 की वैल्यू कितनी, T1 कोस थीटा, और T1 2 की वैल्यू मेरे पास है भाई, क्या थी 60 न्यूटन्स, लिख दो उसको 60, एक बार लिख दो पूरा, 60 बराबर कितना भाई, T1 cos थीटा। F की वैल्यू भी तो है, बाद में लिख देंगे उसको, कोई नहीं, कितना है T2 ले दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे। हमको एंगल निकालना, एंगल निकालना बेस्ट तरीका होता है टेंजेंट निकाल लेते हैं, क्या दोनों क्वेश्चन आ जाएगा टेंजेंट भाई, टेंजेंट इसको डिवाइड कर देते हैं दोनों को भी, करें डिवाइड, कितना आएगा, एक फर्स्ट इक्वेशन मान लो, इसको सेकेंड, डिवाइडिंग 1/2, तो F/T2 इज इक्वल टू, T1 से T1 काट दें, क्या बच्चा है, टेंजेंट थीटा भाई, T1 से T1 कटा, क्या बचा, टेंजेंट थीटा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F भाई, 50 था, 50, और T2 कितना है 60, टेंजेंट थीटा भाई, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई, 5/6 में, 5/6 किस एंगल पे होता है, ये होता है 40 डिग्री के ऊपर भी, लिख लीजिए थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री। हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन है अभी ऐसे वाला, और यहाँ पे बांध रखी है पुली हम लोगों ने, और पुली से रस्सी पास की गई है, ठीक है। यहाँ पे एक मास है अभी, यहाँ पे एक मास है ऐसे, और ये एंगल है 30 डिग्री का भी, ये कितना है 60 डिग्री का भी, कर लोगे, ठीक है। मास को इन्होंने कुछ वैल्यू ले रखी है, ये 50 ग्राम का मास है, एक 50 का है, कितना है 30 का है, 50 ग्राम ग्राम यूज़ किया हुआ है, बाद में ले लेंगे इसका, एम ले लो, M1 कितना है, M2, ठीक है, और यस और नो?
तो क्वेश्चन है भैया, फाइंड द एक्सेलरेशन इन द टू ब्लॉक एंड टेंशन भी, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द ब्लॉक भी, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द ब्लॉक में स्टीयरिंग में करना आपको। ये इस तरफ जा रही है अभी विद एक्सेलरेशन ए, तो ये ऊपर जाएंगे विद सेम एक्सेलरेशन, ऐसे ही होगा। यस सर नो। अब शायद मैं इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने पहले करवाए हैं आपको, कहाँ पे करवा था, एंगल निकालने का तरीका था मैंने आपको एक पॉइंट पे इन टर्म ऑफ एनर्जी करवाई थी शायद, पता नहीं कहाँ पे करवा था, इंक्लाइन प्लेन पे एंगल निकाला था हम लोगों ने भी, पता नहीं है। अरे पुरानी बातें हैं, कौन याद रखे यार, क्या था पता नहीं है ना, निकाला नहीं तुम्हारी क्लास में ये एंगल कितना होता है, पुरानी बातें कौन याद बोल तो रहा था, ये एम जी था भाई, ये रिएक्शन आर था, ये एंगल थीटा था भाई, इसको निकालना था एंगल को, एक्स मान था मैंने भी, ये एक्चुअली कितना होता है थीटा होता था, निकालो दोबारा बता दो, ठीक है फिर भी नहीं आएगा, पता है इस बात का, ये नीयत नहीं है भाई, है ना नीयत नहीं है, ये एंगल निकालना भाई थीटा एक्स, ये जितना है ये ऐसा स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं, ऐसा स्ट्रेट नहीं आएगा ऐसे, ठीक है ये जितना एंगल थीटा ये भी थीटा भाई, ओके ये 90, ये कितना 90 माइनस थीटा, ये नॉर्मल है पूरा 90, तो 90 बराबर किसके 90 माइनस थीटा प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना भाई थीटा भाई, ठीक है। अगर इसका मैं रिएक्शन चेक करूँ भाई, इसका वेट कहाँ पे होगा, नीचे एम जी एम वन जी ले लूँ, इसका रिएक्शन कहाँ पे होगा, ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस आर, सही लिखा है, इसको आर वन ले लें एम वन के लिए, यस आर नो, इसको नीचे ले आए तो एंगल कितना होगा क्लास 30 डिग्री, यस आर नो, यस आर नो, अगर एम जी एम वन जी को रिजोल्व करूँ कंपोनेंट की टर्म में इस तरफ कौन सा आएगा, एम वन जी कोस 30, कोस 30, और इसके परपेंडिकुलर कौन सा आएगा, एम वन जी साइन 30, यस आर नो, इसका पूरा हो गया, इसका करें एम जी को रिजोल्व करना है भाई, ये एम जी ये एंगल 30 है, इस तरफ कोस आएगा एम वन जी कोस 30, और इस तरफ कौन सा आएगा एम वन जी साइन 30 भी, ठीक है उसी तरीके से इसको रिजोल्व करो भाई क्लास, इसका वेट कहाँ पे होगा, इसको मैं डायग्राम ऐसे बना रहा हूँ नीचे की तरफ देखो यहाँ पे, ये आपका एम टू है भी, ठीक है ये एंगल कितना था 60, वेट कहाँ पे होगा नीचे एम टू जी, रिएक्शन कहाँ पे होगा आर टू, इसका आर वन लिया हम लोगों ने, इसका आर टू ले लेते हैं, ये एंगल कितना होगा क्लास 60 डिग्री, यस आर नो, इस तरफ कौन सा आएगा एम टू जी कॉस 60, यस आर नो, और इस तरफ कौन सा आएगा एम टू जी साइन 60, और यहाँ पे क्या है टेंशन भी है, ठीक इंडिविजुअल बना लो कोई दिक्कत नहीं मेरे को डायग्राम बनाने में, यस आर नो, अब जो भी आपको दिख रहा है लिख दो उसको सर, अभी सही है, पहली बॉडी में क्या दिख रहा है आपको भी एम वन के अंदर भी, रब करते हैं इसको भी, क्या क्या निकालना हमको, निकलना क्या क्या है, एक तो ए निकालना है और एक टी निकालना, तो मेरे पास दो कम से कम होनी चाहिए उसके लिए भी, दो निकालना, ये बॉडी इस तरफ जा रही है अभी, तो एम वन जी साइन थीटा बड़ा है कि टी बड़ा भाई, एम वन जी साइन थीटा बड़ा है, कितना बड़ा भाई एम वन जी साइन 30 1/2 कर दूँ माइनस टी इज इक्वल टू एम वन ए, यस आर नो, इस तरफ जा रही है एम वन जी साइन थीटा बड़ा है, किस से टी से कितना बड़ा है मास इनटू एक्सेलरेशन बड़ा है भाई, यस आर नो, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्या लिखते हैं इसको, इट इज 1/2 एम वन जी माइनस टी इक्वल टू एम वन ए, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन भी, ओके
इससे एक इक्वेशन और भी आ सकती है, कौन सी, आर वाली, जो दूर पड़ेगी आर की मेरे को अभी, लेकिन कर लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ मैं, आर वन इज इक्वल टू किसके भाई, एम वन जी कॉस 30 कितना होता है, अंडर रूट 3/2 एम वन जी भी लिख सकता हूँ इसको, यस और नो, कॉस 30 कितना, अंडर रूट 3/2, ये हो गया इस बॉडी से भी। उससे क्या होगा, ये बॉडी ऊपर जा रही है अभी, T बड़ा कि एम टू जी साइन 60 बड़ा, T बड़ा भाई, कितना बड़ा, T माइनस एम टू जी साइन 60 कितना होता है भाई, अंडर रूट 3/2, यस आर नो, अंडर रूट 3/2 कितना बड़ा भाई, फोर्स माइनस फोर्स, आंसर इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, एम टू ए सही लिखा है मैंने, यस आर नो, आर की जरूरत नहीं पड़ेगी कोई, मैं आर लिख दिया मैंने, कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली आर की, पड़ेगी तो बाद में ले लेंगे, देख लेंगे क्या आंसर आएगा, यस सर ना। तो दो इक्वेशन आ गई भाई, फर्स्ट और सेकंड, पहले मेरे को ए निकालना है, टी निकालना है, जो भी मर्जी आपकी निकालो। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का डिवाइड कर दो, ए कट जाएगा मेरा भाई, डिवाइड करूँगा तो ए कट जाएगा, अच्छा है डिवाइड कर लेते हैं पहले, यस सर ना, जोड़ेंगे तो टी कट जाएगा, यस सर ना, कुछ भी कर लो मर्जी तुम्हारी भाई, दोनों निकालना है, टी भी निकालना है, रे भी निकालना है, क्या करूँ पहले बताओ, एडिंग कर लो, एडिंग की एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड भी, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, रब करते डायग्राम भाई, कर दें, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, करो भाई, लेफ्ट की एडिंग लेफ्ट के साथ, राइट की एडिंग राइट के साथ, 1/2 एम वन जी माइनस टी प्लस टी माइनस एम टू जी अंडर रूट 3/2, और यहाँ से कितना ए कॉमन है, एम वन प्लस एम टू इंटू ए, सही लिखा है, टी से टी काट दें, कर लोगे, मास एक्चुअली मास यूज कर रहा हूँ, एम वन की वैल्यू कितनी है क्लास, अजीब बन गया ना, क्या बोल रहे हो, कहाँ पे, पहले काट ले, वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्वेश्चन कहाँ गया, मास है भाई, एक है 50 किलोग्राम, एक है 30 किलोग्राम, ये 50 किलोग्राम, एक एम टू कितना है 30 किलोग्राम, पूरा आंसर निकलना मेरे को, दे रहे की वैल्यू भी, ठीक है कर लोगे, तो पुटिंग द वैल्यूज भी, 1/2 एम वन कितना भाई 50 इंटू जी कितना 10 ले लेते सिंपलिसिटी के लिए, माइनस एम टू कितना है क्लास, इसलिए लेते हैं अंडर 3/2 एम टू कितना है 30 इंटू जी कितना है 10 इज इक्वल टू 80 हो गया, यस और नो, 80 ए, सॉल्व कर पाओगे, काट दें, पांच में पांच में अगर कुछ आंसर आएगा, मैं एक आंसर नहीं देख दूँ डायरेक्ट भी, एक आंसर हुआ बुक में से है, माइनस में आ रहा है इसका भी, माइनस में आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, माइनस क्यों होगा, ऐड किए भाई, माइनस थोड़ी होगा, हाँ ये ज़्यादा भाई वैल्यू, माइनस का आंसर आएगा, 3/2 इज मोर देन 1/2, यस सर नो, इसका आंसर होगा बुक में से जो आंसर निकाल रहे हैं हम लोग, इट इज माइनस 0.1225 लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आफ्टर सॉल्विंग, सॉल्व कर पाओगे ना, अब आपको निकालना है टी वन भाई, टेंशन निकालना, डिवाइडिंग 1/2 कैसे करोगे, 1/2 एम वन जी माइनस टी एक बाई कितने भाई, टी माइनस एम टू जी अंडर रूट 3/2 यस और नो इज इक्वल टू एम वन बाई एम टू, ये तो कट गया, पुटिंग द वैल्यूज पुट कर, डायरेक्ट पुट कर लेते हैं वैल्यूज, आंसर इजी हो जाएंगे हमारे, कितना होगा भाई, 1/2 एम कितना है 50 जी कितना है 10 माइनस टी डिवाइड बाई टी माइनस एम टू कितना भाई क्लास, लेकर अंडर 3/2 30 इंटू जी कितना है 10 इज इक्वल टू एम वन कितना 50 बाई 30 सही लिखा है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और टी निकाल लेना है।
कर पाओगे? तो इसका आंसर होगा टी का भी, लिख देता हूँ, टी इज इक्वल टू आफ्टर सॉल्विंग 256.12 न्यूटन्स वे। बातें नहीं करनी, नहीं भाई कल आगे कराएंगे। मेरे को न्यूमेरिकल्स करने से अच्छा है तुम करो न्यूमेरिकल्स घर पे जाके, ठीक है? नहीं पॉइंट सेवन, ये एफ है भी। दो बॉडी है क्लास, इसकी रस्सी यहां पे बंधी हुई है, ये रस्सी पुल्ली से इसकी पुल्ली से बंधी हुई है, ये धागा यहां पे बंधा हुआ है, ठीक है? मैंने क्या किया, इस रस्सी को खींच लिया पकड़ के, ये सर ना समझ में आ रहा है, खींच लिया तो उस पर फोर्स लगेगा, इस धागे में क्या बनेगी, टेंशन बनेगी, दोनों में नहीं रखेंगे। तो वैसे इसको खींच रहा हूँ तो क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टीवी, क्वेश्चन ये नहीं है सॉरी, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड, डायग्राम बनाओ उसके बाद लिखवाता हूँ क्वेश्चन। इस मास, इस ब्लॉक का मास 100 किलो है अभी, 100 केजी सेट इन टू द मोशन फ्रिक्शनलेस सरफेस, डायग्राम दे रखा है, और बात नहीं, और बॉडी एक्सेलरेट कर रही है अभी ऐसे भी, ये मोशन ऐसे जा रहा है, बॉडी ऐसे चलेगी, रुको एक मिनट, ये एक्सेलरेशन ए से जा रही है अभी, इसका वैल्यू दे रखा है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, ठीक है हो गया। ये पुली अभी, ये हुक अभी, हुक लगा रखा है, ठीक है? ये मान के चलो ये दीवार है भाई, दीवार में एक हुक है, और आपने इस दीवार को हुक से एक रस्सी बांध रखी है, उस रस्सी एक पुली से पास करी तो दूसरी बॉडी जुड़ी हुई है, रस्सी उस आप रस्सी खींचोगे ना दीवार, तो दीवार नहीं चलेगी अभी, वो बॉडी आएगी इस तरफ विद एक्सेलरेशन दे रखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, एफ कितना लगा कि ये एक्सेलरेशन बन जाएगा, देख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, कुछ और भी दे रखा देख लेता हूँ अभी मैं, इसमें कुछ और नहीं दे रखा वैसे, हैं किसका मास है, दीवार मास क्या होता है, लिखो हो गया, हैं नीचे कौन जा रहा है, रस्सी खींच रहा हूँ यहाँ से मैं, तो कौन चलेगा, कौन चलेगा, ये चलेगी भी कर लोगे, तो ऐप निकालना अभी, बताओ क्या हुआ, किससे, इससे कौन सी, ये है फिर बॉडी पुली से जुड़ी हुई है विद रस्सी के साथ भी, कैसे हुआ मतलब, एक रस्सी से पुली बंद रखी है दीवार के बॉडी के ऊपर, उस पुली से एक रस्सी बंद रखी है, खींच रहे हैं यहाँ से हम लोग, सिंपल सा भी, ठीक है? तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा अभी अगर बॉडी चल रही है तो, ठीक है? सॉरी व्हाट इज द फोर्स भी, अब देखिए इस
ये जो बॉडी चल रही है ना, ये किसकी वजह से चल रही है क्लास? इस रस्सी में टेंशन आई होगी, इसने खींची होगी टेंशन ने अपनी तरफ ये, अरे किस वजह से आई है? इस फोर्स की वजह से आई होगी। यस सर नो? सीधी सी बात ये है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन की वजह कौन है? ये टेंशन है अभी। अगर मैं टी निकाल लूँ तो मेरा निकल जाएगा आंसर उसमें, और टी कब निकलेगा? जब मेरा एफ निकलेगा। और क्वेश्चन है मेरा एफ ही निकालना है। यस सर नो? तो इस टी को कौन बैलेंस कर रहा है अभी? फोर्स, ये भी तो फोर्स है भाई, ये फिक्स है तो। यस सर नो? टी को कौन बैलेंस कर रहा है? टू एफ कर रहा है, जिसकी वजह से बॉडी चल पा रही है एम ए। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ वी? 1/2 एम ए। तो एफ की वैल्यू कितनी भी? 1/2 मास कितना है? 100। ए कितना है? 0.1। सॉल्व कर लो। सोचने वाला क्वेश्चन है ये, दो लाइन में पूरा हुआ क्वेश्चन। तो मेरा सोचा क्या आप लोगों ने इसमें? सोचा ये है कि मैं जब इसको खींचूंगा ना, इसको चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल ये फोर्स थोड़ी है, ये टेंशन है भाई। इस फोर्स से टेंशन बनी होगी तब जाके रस्सी ये बॉडी इस तरफ चली होगी भी। यस सर नो? यानी सीधी सी बात है, इस फोर्स ने टी को बनाया भाई। कितना बनाया? 2F ने किसको बनाया? टी ने बनाया भाई। क्योंकि आप जो खींच रहे हो ना, जितना फोर्स यहाँ पर लगा रहे हो उतना ये भी बॉडी लगा रही है इस तरफ यहाँ से। अब अकेले रस्सी बांध के नहीं खींच रहे उसको, अब पुलिस ही खींच रहे उसको भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इस टेंशन का लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 2F रिस्पॉन्सिबल है अभी। और इसी वजह से क्या बना है इसमें? एक्सेलरेशन बना होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सिंपल आंसर हो गया। कितना आंसर होगा इसका? 5 न्यूटन्स में। एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। सिंपल है।